नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय सोलंकी, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको गुरु पूर्णिमा के दिन यानी कि 5 जुलाई 2020 रविवार के दिन होने वाले चंद्र ग्रह के ऊपर जानकारी दूंगा। दोस्तों, 2020 साल तो मानो के ग्रहणों का ही साल है। इस साल में कुल 6 ग्रहण है। 6 ग्रहण में 4 चंद्र ग्रहण, 2 सूर्य ग्रहण और इनमें भी 3 ग्रहण हो चुके हैं। चौथा ग्रहण गुरु पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होने वाला है, लेकिन ये ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा। ये ग्रहण दिखेगा अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और प्रशांत महासागर के कई भागों में ये ग्रहण दिखेगा। भारतीय समय अनुसार ये ग्रहण सुबह 8:34 से लेके 11:22 तक ग्रहण होगा, यानी कि पूरे 2.5 घंटे का ये ग्रहण रहेगा। दोस्तों, ये ग्रहण छायाकल्प यानी कि उपछाया ग्रह चंद्र ग्रहण है और ये चंद्र ग्रहण भारत में नहीं देखेगा, इसलिए इस ग्रहण का कोई भी सूतक काल, कुछ भी वेद नहीं और उसके कोई भी नियम को फॉलो करना नहीं है। दोस्तों, ज़्यादातर ग्रहण दुनिया में कहीं पे भी हो रहा है, लेकिन उसके इफेक्ट पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में हर एक मानव जाति पशु पंखियों के ऊपर रहती है। हमारे शास्त्रों में हर एक चीज़ के रेमेडीज यानी कि उपाय बताए गए हैं। तो ग्रहण के दौरान भले ही भारत में उसके इफेक्ट नहीं है, ग्रहण का भेद नहीं है, लेकिन फिर भी गर्भवती महिलाओं को, बुजुर्गों को और छोटे बच्चे को इस समय के दौरान घर से बाहर नहीं निकलना है। और ये ग्रहण का सबसे ज़्यादा उपयोग साधना के लिए करना चाहिए, मंत्र सिद्धि के लिए करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एक मंत्र बराबर 1000 मंत्र किए जाने का शुभ फल आपको ग्रहण काल के दौरान मिलता है। दूसरा, ग्रहण काल के अंदर आपको अपनी जन्म कुंडली में होने हुए अशुभ दोष, अशुभ ग्रहों के चीज़ों का भी आपको दान करना चाहिए। तो अभी दोस्तों हम बात करते हैं कि 12 राशियों पे ग्रहण का क्या इफेक्ट रहेगा। उसमें जो प्रथम राशि है मेष वालों के लिए, ये ग्रहण उनके भाग्य स्थान में होगा और ये ग्रहण अचानक धन लाभ देने वाला, लॉटरी, शेयर सट्टे से कनेक्टेड लोगों के लिए फायदा करेगा और नौकरी में भी प्रमोशन और रोजगार की नई तकें आपको प्राप्त होगी। ग्रहण के दौरान आपको अपने कुल देवी के मंत्र जाप ज़्यादा करने हैं। वृषभ राशि वाले को ये ग्रहण उनके मृत्यु भाव में होने वाला है, इसलिए उनको आयुष्य का स्थान, आयुष्य के भाव में है इसलिए आयुष्य का ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और कहीं पे भी आपको ट्रैवलिंग नहीं करना है। जॉब एंड बिजनेस वाले को भी ध्यान रखना है और ग्रहण के बाद आप दूध का दान कीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र भी ग्रहण के दौरान आप कर सकते हैं। मिथुन राशि वालों को दाम्पत्य जीवन में ध्यान रखना है, अपने लाइफ पार्टनर से कोई भी कारण में डिस्प्यूट ना हो इसका आप ध्यान रखो और बिजनेस करने वाले को भी अपने पार्टनर से ध्यान रखना है, नए कोई भी पार्टनरशिप नहीं करने है और स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय अच्छा है। ग्रहण काल के दौरान आप अपने गुरुदेव या दत्तात्रेय भगवान के मंत्र जाप कर सकते हैं। कर्क राशि वाले को ये शत्रु भाव में हो रहा है, इसलिए विरोधी आपके दुश्मन आपके ऊपर हावी न हो, कुछ परेशानी खड़ी ना करे उसका आप ध्यान रखें और आपको इस समय के दौरान कोई भी ऑपरेशन सर्जरी नहीं करवानी है, आपको नया बिजनेस भी नहीं शुरू करना है। ग्रहण के बाद आपको ग्रीन कलर की चीज़ों का आपको दान देना है। सिंह राशि वाले को बिजनेस के लिए ये ग्रहण ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, आप कैलकुलेटिव रिस्क लेके अपना बिजनेस को आप आगे ले जा सकते हो। संतान प्राप्ति के लिए भी समय अच्छा है, जो भी लोगों के संतान मैरिज करने के योग्य है उनको भी
ये समय लाभ देगा और स्टूडेंट्स को भी लिए ये समय अच्छा पढ़ाई के लिए माना गया है। और महामृत्युंजय मंत्र जाप आप ये समय के दौरान ज़्यादा कीजिए। कन्या राशि वाले को ये ग्रहण अपने प्रॉपर्टी के प्रॉब्लम्स में राहत देने वाला रहेगा। वर्षों से प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट है, उसका सुखद समाधान मिलेगा। आपको आपके माता के स्वास्थ्य में ध्यान रखना है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों के लिए भी समय बहुत ही अच्छा है। आप ग्रहण के बाद गरीब बच्चों को दूध का दान अवश्य कीजिए। तुला राशि वालों के लिए ये पराक्रम भाव में है, इसलिए आपको आलस्य का त्याग करना है, जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना है और आपको नए कोई भी कार्य करने में सावधानी रखनी है। ज़्यादा लोड नहीं ले और किसी से उग्र बातचीत में न पड़े। इस समय आप चंद्र के तांत्रिक मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसी नमः मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये ग्रहण धन भाव को नुकसान पहुंचाने वाला है। कुटुंब में अनवांटेड एक्सपेंसेस आएंगे, कोर्ट मैटर में कहीं पे प्रॉब्लम होने की संभावना दिख रही है। आपको वाणी व्यवहार में ध्यान रखना है और वेट एंड वॉच पॉलिसी के ऊपर आपको चलना है। ग्रहण के बाद आपको करीबन 1 किलो चावल मछलियों को मीन्स जल प्रवाह आपको करना है। धन राशि वालों के लिए ये ग्रहण आपको कसौटी से बाहर निकालने वाला है, मीन्स आप जो भी परिस्थिति में फंसे हुए उससे आप इजीली बाहर निकल जाओगे और ये आपको नई ऊंचाई पे ले जाएगा। आपका नया बिजनेस या नया जॉब आपको मिलने की संभावना है। शादी इच्छुक युवक युवतियों के लिए भी ये समय लाभप्रद है। ग्रहण के बाद आपको करीबन 1.25 किलो चने की दाल शिव मंदिर में या गरीब को दान अवश्य करें। मकर राशि वाले को ये ग्रहण परदेश से कनेक्टेड कार्यों में लाभ देने वाला है। आप फॉरेन जाने की इच्छा करते हो तो वो भी इजीली जा सकते हो और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस वाले को या उससे कनेक्टेड जॉब वालों को ये बहुत ही फायदेमंद रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। आपको ग्रहण के बाद उड़द की दाल शनि मंदिर में दान दे देनी है। कुंभ राशि वाले को ये ग्रहण लाभ बढ़ाने वाला है। आपके पेंडिंग काम खत्म हो गए, धन आगमन के नए नए सोर्स खुलेंगे और जॉब में भी प्रमोशन मिलने की शक्यता है, संभावना है। आप ग्रहण के बाद अपने पुराने वस्त्र या छाते का गरीब को दान अवश्य कीजिए। मीन राशि वाले को ये ग्रहण दशम भाव कैरियर भाव में है, इसलिए आपको जॉब बिजनेस में नए नए चैलेंजिंग आएंगे लेकिन आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो और कोई भी कार्य में जल्दबाजी ना करें। प्रॉपर्टी नई खरीद सकते हो और आपको ये समय स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा है। आपको आपके पेरेंट्स का हेल्थ का ध्यान रखना है। आपको ग्रहण के बाद एक श्रीफल आप नदी प्रवाहित कर दीजिए। दोस्तों, यह 12 राशियों का जनरल प्रेडिक्शन है। विशेष में आपकी कुंडली का एनालिसिस करके आप उसका परफेक्ट प्रेडिक्शन जान सकते हो। आपको भी अपनी कुंडली के लिए कुछ भी जानना है, कुछ भी कार्य है तो आप मेरा अवश्य संपर्क कर सकते हो। नमस्कार, थैंक यू।